मूर्तिवादी जो शैव हैं या साकारवादी जो शैव हैं,
उनको वे सबके बराबर ही मानते हैं, जैसे वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गणभक्त हैं, वैसे शैव भी हैं। वो तो ब्रह्मात्मय किए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जहां न मूरत जहां न सूरत पूरन धनी दिनेश। तो ब्रह्मात्मवाद दूसरी वस्तु है और शैव वैष्णव शाक्त ये सिद्धांत दूसरी वस्तु। ये जो महामहेश्वर अभिनव गुप्त हैं, इन्होंने विज्ञान भैरव ग्रंथ के बहुत से उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। तो अभिनव गुप्त तो भरत नाट्य शास्त्र के भी व्याख्याता हैं, गीता के भी व्याख्याता हैं, और उनकी शैव शास्त्र में बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं प्राप्त होती हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं और बहुत पुराने हैं। शंकराचार्य से तो नए हैं लेकिन पुराने और आचार्यों के समान। इन्होंने विज्ञान भैरव के बहुत से उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं, जिससे मालूम होता है कि ये ग्रंथ बहुत प्राचीन और बहुत प्रामाणिक है। ये हमारे पास जो पुस्तक है ये कश्मीरी शैव ग्रंथमाला से पहले कभी प्रकाशित हुई थी, अब तो बाजार में मैं समझता हूँ कि इस रूप में उपलब्ध नहीं है कहीं। तो इसी से मैंने इसका हिंदी में अनुवाद तो हो, मैं समझता हूँ कि अभी कभी हुआ नहीं था इसका, सार सार हिंदी में, किंतु तो पत्रिका में छापना है तो सार सार उसका दे दिया, तो दो अंकों में आया। अब क्योंकि हमारी प्रकृति जो है आजकल चूंकी के लिए हिंदी में यथा लिखते हैं, यथा क्योंकि मेरी प्रकृति दार्शनिक है स्वभाव से, इसलिए थोड़ा इसका दर्शन भी सुनाते हैं। जिसको कुछ पाना है उसको क्या पाना है उसके हिसाब से साधन करना पड़ता है। विद्या पाना है तो विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, धन पाना है तो व्यापार नौकरी कुछ करनी पड़ती है, ऊंचा पद पाना है तो किसी नेता के साथ संबंध जोड़ना पड़ता है। तो बिना नेताओं की कृपा के किसी को ऊंची कुर्सी नहीं मिल सकती। तो जैसा प्राप्तव्य होता है उसके अनुसार उसका साधन होता है। अध्यात्म शास्त्र कहता है कि तुम जहां हो वहां बड़ी तकलीफ पा रहे हो, तुम्हें दुख हो रहा है। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदप घात के हेतु, तीन सुख बार बार आकर के तुम्हारे ऊपर चोट कर रहे हैं। कभी मकान भी चोट करता है, कभी रुपया भी चोट करता है, कभी कुर्सी भी ऐसा चोट करती है कि औधे मुंह गिरते हैं धरती पर, कुर्सी भी बड़ी चोट करती है। कभी रिश्तेदार नातेदार दोस्त विश्वासघात करते हैं, कभी शरीर ही अपना चोट करता है, कभी काल चोट करता है, कभी स्थान चोट करता है, कभी वस्तु चोट करती है। दुनिया में बारंबार इस मनुष्य को घाव सहना पड़ता है। तो जिज्ञासा तदप घात के हेतु, ये जो तीन प्रकार के दुख, कभी अपना मन ही चोट करता है, कभी बिजली गिर जाए महाराज तो ये आसमान भी चोट करता है। हम जब जवान थे मुझे एक पत्र निकलता था कलकत्ते से मतवाला, ऐसा बढ़िया पत्र था मारा, चोट करता था बिल्कुल दिल के भीतर चोट करता। तो उस पर एक मोटो जो छपता था वो था, कह रहा है आत्मा यह सब समा कुछ भी नहीं, पीस दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं। कह रहा है आत्मा यह सब समा कुछ भी नहीं, ये जो तुमने झांकियां बड़ी बड़ी बना रखी हैं, आसमान कह रखा है ये कुछ नहीं है, पीस दूंगा एक गर्दिश में। एक चक्की चली और सब का सब मटिया मैं। तो दुनिया में
बिजली गिरने से, गर्मी पड़ने से, वर्षा होने से, शीत लहर आने से जो तकलीफ होती है उसको आदिदैविक बोलते हैं। और अपना मन ही जो तकलीफ देता है उसको आध्यात्मिक, और धन हरण से, भवन दहन से, जन मरण से जो तकलीफ होती है उसमें निमित्त के कारण उसको आदि भौतिक मानते हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं तो ये कैसे मिट सकते हैं, कैसे नाम है और कैसे मिटे। जब आदमी को तकलीफ पड़ती है तो उस तकलीफ से बचने के लिए जिज्ञासा का उदय होता है सबके मन में, जो सहृदय हैं, सचेता हैं, जिनको भगवान ने मन बुद्धि दी है उनके मन में ये इच्छा होती है कि उस उपाय को हम जाने जिससे ये हमारा दुख मिट जाए। तो जो लोग मरे हुए आदमी को प्लेनचट पर ढूंढने जाते हैं तो अभी तो उनको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको वही ढूंढना चाहिए। ये पूरे मंत्र जंतर यहाँ तो ये पद्धति है कि जो दो तरह के व्यक्ति हैं उनको तो छोड़ दो। कौन का? एक तो जो हड्डी मांस जाम में इतने डूब गए हैं कि उठते रहते हैं, नींद में हैं, आलसी हैं, प्रमादी हैं, मूड हो गए हैं, उनके लिए तो योगाभ्यास की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनकी मांग नहीं है। उनको यदि हम लाउड स्पीकर से जबरदस्ती योगाभ्यास पिलावेंगे तो वो बमन कर देंगे, कह कर देंगे। तो जो मूड हो गए हैं उनके लिए लाउड स्पीकर से जबरदस्ती या डोंडी बीट के या फिल्मी गाने सुना के यदि हम उनके भीतर योगाभ्यास, और दूसरे जिन्होंने अपने मन को जानबूझकर बाहर फेंक दिया है और उसी में मजा लेते हैं, आसक्ति को अपनी भलाई का साधन जो समझते हैं, और जो लोग देह में ही डूबे रहते हैं, चपंत और लुटंत, खूब खाया और खूब सोए, इसी में जो लोग मगन हैं उनके लिए योगाभ्यास का उद्देश्य नहीं है। परंतु जो आसक्ति से छूटना चाहते हैं, चीज से मत छूटो, सोना चांदी रहने दो, परंतु उसके प्रति जो आसक्ति है ना, उसको जरा बाजार में पहने दो, उसको तिजोरी में बंद करके मत दो। आसक्ति से दुख का अनुभव करके जो उससे छूटना चाहते हैं उनके लिए, और जो अपने मन की चंचलता से दुखी हैं उनके लिए। तो वो जब आसक्ति से दुखी होते हैं तो जैसे शरीर का रोगी डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाता है, वैसे आसक्ति मन का एक रोग है और उस रोग से बचने के लिए वे सद्गुरु के पास जाते हैं कि हमारा ये आसक्ति रूप रोग ये कैसे छूटे। और ये जो हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है, पांव कांपने लगता है, कंप रोग होता है कंप, तो ये मन में जो कंप रोग होता है उसके लिए भी तो दवाई करनी चाहिए ना। जब आपका हाथ कांपने लगता है तो डॉक्टर को दिखाते हैं, और आपका मन कांपता है तो उसके लिए मन के डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो ये कंप जो है ये चंचलता है, मन की चंचलता, और मूढ़ता जो है आसक्ति, जो है आसक्ति ये तो पागलपन है, और मूढ़ता जो है वो बेहोशी है। मूढ़ता माने बेहोशी, मन की बेहोशी, और आसक्ति माने पागलपन। एक आदमी के पास पैसा है, अभी एकाध पीढ़ी खाने भर रहे हैं, लेकिन आज वो विक्षिप्त है। वो कहता है कि बस
अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। वो मर गया, अभी 10 वर्ष बाद मरता तो आज ही मर गया, क्या होगा क्या होगा, आगे क्या होगा, आज उसके पास है इसका ख्याल ही नहीं आता। तो उसको कोई ख्याल दिलाने वाला भी चाहिए कि अभी तो तुम्हारे पास इतना है, तुम्हारे पास तो बहुत है, तुम क्यों व्याकुल हो। तो अब आपको थोड़ा जिसके मन में इस दुख के निवारण के उपाय की जिज्ञासा है, अच्छा जो समाज के दुख से दुखी हैं उनको समाज सेवा करनी चाहिए, उनको प्राणायाम करके और मन को एकाग्र करने का अभ्यास उतना उपयोगी नहीं है, थोड़ा उपयोगी यह है कि प्राणायाम करने से मन एकाग्र होगा, मनोबल बढ़ेगा, तो मनोबल के द्वारा वो समाज की सेवा कर सकेगा। ये विभाग दूसरा है, विराट की सेवा करना, हिरण्यगर्भ की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, ये सब विभाग अलग अलग होते हैं। अब आप ये न चाहें कि समाज सेवी लोग भी एकांत में बैठ के धारणा ध्यान का अभ्यास करने लगे, फिर तो बेचारे भूखे प्यासे लोग बिलबिलाते रह जाएंगे। उनको उस विभाग में जाने दो, जिस विभाग का जो है, जो बिजली पैदा करता है वो बिजली पैदा करे, जो कपड़ा पैदा करता है वो कपड़ा पैदा करे, जो अन्न पैदा करता है वो अन्न पैदा करे, जो झाड़ू लगाने में रुचि रखता है वो सड़क पर झाड़ू लगावे, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सब अपने अपने काम में लगे रहे, उनमें गड़बड़ पैदा करने की जरूरत नहीं है। आत्म दृष्टि से सब एक है, परमात्म दृष्टि से सब एक है, परमार्थ दृष्टि से सब एक है। न बुद्धि भेदम जनहित अज्ञानाम कर्म संगिनाम, बुद्धि भेद उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दुख निवारण करने के लिए, क्योंकि दुख असल में न आदि भौतिक होता है और न आदि दैविक होता है, दुख हमेशा आध्यात्मिक ही होता है। दुख देने का निमित्त बाहर हो सकता है कि आपकी कुर्सी उलट गई, लेकिन कुर्सी से आपकी आसक्ति थी इसलिए दुख हुआ, तो आसक्ति तो मन में ही थी, आध्यात्मिक थी शरीर के भीतर। आध्यात्मिक माने ये मत समझना कि किताब में आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक माने शरीर के भीतर ही कारण भी है और निवारण भी है। मन में ही दुख है और मन में ही उसके निवारण का साधन है, युक्ति है, इसलिए उसको आध्यात्मिक कहते हैं। पोथी में लिखे हुए का नाम आध्यात्मिक नहीं होता और प्रवचन आध्यात्मिक नहीं होते। आपके मन में ही जहाँ कारण और निवारण दोनों हैं, तकलीफ भी मन में है और उसकी निवृत्ति का उपाय भी मन में है, उसको संस्कृत भाषा में, ये संस्कृत भाषा की प्रकृति है, आत्मनि इति अध्यात्म, जो शरीर के भीतर होता है उसका नाम अध्यात्म होता है। और वेदों में, निरुक्त में, उपनिषदों में अथाध्यात्म, अब हम अध्यात्म का निरूपण करते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो अब हम थोड़ी सी दार्शनिक पृष्ठभूमि इसकी बताते हैं। तो मन की चंचलता और आसक्ति मिटाने के लिए ये दो पक्ष है। आसक्ति मिटाने के लिए भावयुक्त दृष्टि चाहिए, और केवल चंचलता मिटाने के लिए बिना भाव की दृष्टि भी चंचलता मिटा सकती है, क्योंकि आसक्ति में भी चंचलता है। तो आसक्ति मिटाने के लिए तो चाहिए भाव, और चंचलता मिटाने के लिए चाहिए दृष्टि, एकाग्रता, एक स्थानता। तो कोई कोई साधन दोनों को मिलाकर होते हैं, कोई कहीं भाव की प्रधानता होती है, कभी कहीं दृष्टि की प्रधानता होती है, कहीं दोनों समकक्ष होते हैं, और एक साधन ऐसा होता है जिसमें दोनों छोड़ दिए जाते हैं, वो भी साधन ही है। तो आओ आपको
इसका अर्थ हमको तो बचपन में जब समझ में आया था ना, तो समझ का भी एक मजा आया था। जिनको समझ में मजा नहीं आता है, कोई नई बात समझ में आती है और समझ में आने का मजा आता है, तो जिस दिन ये बात समझ में आई थी कि हम जो देख रहे हैं ये संसार, ये शिव का ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और आत्मा, ये आठों शिव की मूर्ति अष्टमूर्ति, भगवान शंकर अष्टमूर्ति है, ये सब शंकर जी की मूर्ति, शिव मूर्ति। तो हमको किसी ने समझाया बहुत करके गंगा तट पर, हम सन 30-31 में थे, तो स्वामी निर्मलानंद जी ने ही पहले पहल ये बात समझाई थी। बड़े वयोवृद्ध हैं, अभी तो 100 वर्ष के हो गए, तो उन्होंने ये समझाया था कि ये पहले भारतवर्ष को समझाया कि कन्याकुमारी शिव का चरण है और हिमालय शिव का सिर है और बंगाल की खाड़ी और इधर की पश्चिमी समुद्र की जो खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ये दोनों पर भगवान शिव के हाथ हैं और ये ब्रजभूमि जो है ये शिव भगवान का हृदय है और हिमालय से है भारतवर्ष। इसके बाद उन्होंने फिर विराट को समझाया, चंद्रमा और सूर्य उनके नेत्र हैं और ये समुद्र आदि जो है उनकी नस नाड़ी है ऐसे। तो जब उनकी समझाई हुई बात अपनी बुद्धि में उस समय बिल्कुल ठीक ठीक उतर गई, तो ऐसा मालूम हो कि अज्ञान का एक पर्दा फट गया, एक रोशनी हो गई और बड़ा भारी प्रकाश हो गया। तो समझ का पर्दा फटने से भी आनंद आता है, बच्चों को लेमन जूस गोलियां चूसने में मजा आता है और समझदार लोगों को अपने समझ में से अंधकार दूर होने से मजा आता है। आपके शरीर को बढ़िया वस्त्र मिले तो मजा आता है, नोट के बंडल मिले तो मजा आता है, लेकिन आपके मन में कोई प्यारी प्यारी चीज आ जाए तो मन को मजा आता है और बुद्धि में कोई विवेक की विचार की बात आ जाए तो मजा आता है और आत्मा अनुभव से परमानंद में मग्न हो जाता है। आत्मा का भोजन अनुभव है। हाँ, तो भावयुक्त दृष्टि भी दो प्रकार की होते हैं, एक यह में भावयुक्त दृष्टि और एक मय में भावयुक्त दृष्टि। यह में भावयुक्त दृष्टि हमने देखा है एक वैष्णव महात्मा से, श्री वैष्णव थे, एक वैष्णव होते हैं एक श्री वैष्णव, इनमें दो भेद होता है। तो वो श्री वैष्णव थे माने वो लक्ष्मी जी को बीच में रख करके सब भगवान के साथ संबंध रखते थे। अब महाराज जो इतनी प्रेयसी हैं कि भगवान के वक्षस्थल पर हमेशा रहते हैं, ईसा राम जगतोस्त वेंकटपते, स्वामिनी हैं वेंकट नाथ की और उनके वक्षस्थल पर रहती हैं। वेंकट नाथ को कुछ कहना होता है तो उन्हीं से कह देते हैं कि इसकी ओर कृपा कटाक्ष करो। कोई अपराधी आता है ना, अपराधी, तो भगवान कहते हैं कि ये बड़ा पापी है, इसकी ओर से अपनी आंख फेर लो, मुंह घुमा लो। तो जब मुंह घुमाते हैं तो एक और लक्ष्मी जी दाहिनी ओर खड़ी मिलती हैं, तो कहते हैं ये हमारा टेढ़ा मुंह और फिरा हुआ मुंह देखेंगी तो हमारी कुरूपता इनकी दृष्टि में आ जाएगी, तो इधर मुंह करना ठीक नहीं। तो सामने तो है पापी, उसकी ओर से मुंह फिराया तो लक्ष्मी पर गई दृष्टि तो मुस्कुराहट आ गई। फिर महाराज उधर से हटाया, बोले अच्छा बाएं कर दें, दूसरी तरफ कर दें, तो वहां क्या देखते हैं कि गोदा अम्बा जो है
वो नीला बन करके, नीला देवी बन करके खड़ी हैं और वो तो महाराज बड़ी प्रभावशाली हैं। तो उन्होंने जो देखा तो पानी पानी हो गए भगवान। तब तक बुद्धा अम्बा ने कहा कि इस पापी पर कृपा करो, इसका उद्धार कर दो। बीच में श्रीमन नारायण है, एक और लक्ष्मी देवी है, एक और भू देवी की अवतार नीला देवी है। अब नाराज कैसे हुए, पापी की ओर देखें तो उसका उद्धार हो जाए और लक्ष्मी जी की ओर देखें और नीला देवी की ओर देखें तो अपनी पत्नी की ओर देख करके चेहरा बिगाड़ लेने से पत्नी के मन में वही शकल सूरत बैठ जाएगी, तो कहेगी कि तुम तो सुंदर नहीं हो, दयालु नहीं हो, कृपालु नहीं हो। तो महाराज भगवान झट झट पापियों का उद्धार करते जाते हैं। ज्यादा मृदुलता नीला देवी श्री वैष्णव इसको बोलते हैं, गोदा अम्बा इनको बोलते हैं, अंडाल बोलते हैं तमिल भाषा में, इनको अंडाल बोलते हैं, गोदा अम्बा है तो इनको बोलते हैं श्री वैष्णव, श्री वैष्णव। अब वो महाराज हमारे संपर्क में थे, एक सालाग्राम की भतीजा उनके पास दुनिया में रहती थी, उनकी कुर्सी ऊपर सुनती, सालाग्राम की दिव्या, सालाग्राम की दबिया काली काली, वो महाराज छाती से लगा के रखते थे, गले में बांध के भी रखते थे, छाती से लगा के रखते थे और उनके सामने हम उन्हीं श्री वैष्णव होते थे, अंतर्यामी ईश्वर का वर्णन करने लग जाए तो नाराज होते थे। बोले क्या होता है अंतर्यामी? बोले आओ वैकुंठ नाथ का वर्णन करें, देखो हमारे ये जो छाती पर लटक रहे हैं ये भी अगर वैकुंठ नाथ है तब तो हम वैकुंठ नाथ को प्रणाम करते हैं और अगर ये नहीं है कोई दूसरे है तो हमको नहीं चाहिए। अब वही महाराज सालग्राम की शिला को स्नान करा रहे, उनको चंदन लगावे, तुलसी चढ़ावे, भोग लगावे और हर समय चलते फिरते भी कहीं जाते थे तो अपने गले में ही उनको रखते थे, ऐसे श्री वैष्णव थे। अब देखो सालग्राम की शिला भारत नेपाल में ही गंडकी नदी में प्रकट हुई, वो भू देवी से जब नारायण एक हो गए ना, दोनों मिलकर संदर हो गए, तब भू देवी का ही एक अंग सालग्राम के रूप में प्रकट हो गया। मिट्टी मिली हुई है कि नहीं, पृथ्वी मिली हुई है ना, तो साक्षात नारायण है, देखो आपको सुनाते हैं। अब वो सालग्राम की शिला को साक्षात नारायण के रूप में देखना, दृष्टि तो है सालग्राम पर और भाव है कि ये साक्षात परमेश्वर है, भावयुक्त दृष्टि का नमूना है, बहुत उदाहरण है भावयुक्त दृष्टि का। अब ये सालग्राम की शिला में हो, चतुर्भुज मूर्ति में हो, पृथ्वी में हो, जल में हो, अग्नि में हो, वायु में हो, आकाश में हो, सूर्य में हो, पर ये साक्षात नारायण है, ये भाव हो तो ये जो भाव है ये संसारी भाव को आपत्ति को मिटा देगा, दृष्टि तो कर देगी आपके मन को एकाग्र और भाव मिटाएगा आपत्ति को। और यदि आपके मन में भाव नहीं होगा केवल दृष्टि ही होगी तो उतनी देर के लिए एकाग्रता तो हो जाएगी परंतु संसार की आसक्ति नहीं मिटेगी। पांच मिनट, एक घंटा, दो घंटा, चार घंटे की एकाग्रता से भी आसक्ति नहीं मिटेगी क्योंकि छह घंटे तक नींद में आपको संसार की कोई चीज नहीं दिखती है फिर भी उठने पर आसक्ति ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए आसक्ति को मिटाने के लिए भाव की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, अब आपको यह हमें जो भाव करेंगे आप परमेश्वर का, उसका फल क्या होगा? उसका फल ये होगा कि आप उसमें तन्मय हो जाएंगे। तो अपने मैं को यह में परमेश्वर बुद्धि से तन्मय कर देना, इसको सायुज्य, अंत में इसकी जो पराकाष्ठा है उसको भक्तों की भाषा में सायुज्य बोलते हैं। अब आपको यह की ओर से हटाकर हम मैं की ओर ले आते हैं क्योंकि यह और मैं दो तत्व बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं। यह पुस्तक है,
चिंतामणि ये पुस्तक है, विज्ञान भैरव ये प्रत्यक्ष है और मैं ये देख रहा हूँ ये अपरोक्ष है। दो तत्व होते हैं, ये प्रत्यक्ष है और मैं अपरोक्ष है। मैं कभी परोक्ष नहीं होता। परोक्ष नहीं होता माने चार दिन पीछे मैं को छोड़ जाए। मैं को चार दिन पीछे छोड़ सकते हो? क्या सब बोले अपने को हम जरा अभी कलकत्ता छोड़ के आए तो अपने को कलकत्ता छोड़ के आ सकते हो? तो मैं हमारा कहीं छिप गया है, कहीं छिपता है मैं, जिसको छिपा है वही तो मैं है। तो मैं कभी परोक्ष नहीं होता इसलिए उसको अपरोक्ष बोलते हैं। और यह जो है ये प्रत्यक्ष रूप से भासता है। तो यह पे जो परमेश्वर बुद्धि है वो परंपरा ईश्वर सायुज्य का हेतु है। और मैं की जो मैं के पर्दे जो फाड़ने हैं, मैं में भी भाव होता है। आप देखो तो ये शून्यवादी बौद्ध और अद्वैतवादी वेदांती, ये दोनों तो मैं में भाव नहीं जोड़ते हैं, बल्कि भाव जोड़ने को वो बाद में भाव का जोड़ना हटा देते हैं, उसका अपवाद कर देते हैं। लेकिन जिस विषय की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसमें देखो आपको मैं के प्रति भी भाव जोड़ने की पद्धति है। यदि मैं आपका अपने को पापी अनुभव करता है, कुछ लोग तो ऐसे निकल ही आएंगे जो अपने को पापी अनुभव करते हैं। क्यों? कि सब लोग कर्म करते हैं। कर्म करने में कभी दूसरे को गिराने का भाव आ जाता है, कभी अपने को गिराने का भाव आ जाता है। जब हम बुरे काम करने के लिए स्वयं व्यभिचार और अनाचार में प्रवृत्त होते हैं, तब अपने को गिराने को तैयार हो जाते हैं। और जब दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरे को गिराने को तैयार हो जाते हैं। तो देखो पाप होने की परिभाषा, जिससे अपना आपा और दूसरा कोई नीचे गिरता हो उसका नाम पाप होता है। इसको पतनीय कर्म करते हैं, जिस भूमिका में तुम स्थित हो उससे अगर नीचे गिरते हो और जिस भूमिका में कोई स्थित है वहां से उसको नीचे गिराते हो, तो पतनीय कर्म करने के कारण, नीचे जाने वाला कर्म करने के कारण तुम पापी हो गए। और एक होता है अभ्युदयनीय कर्म, शास्त्रीय भाषा में मैं बोल रहा हूँ, शास्त्र की भाषा में एक कर्म होता है जिससे दूसरा भी ऊपर उठे और हम भी ऊपर उठे, उसको अभ्युदयनीय कर्म कहते हैं। पुण्य, वो पुण्य क्या है? आत्म प्रक्षालन है। अपने आप में जो बाहर की चीजें लग के जो पत्थर बन गए हैं अपने साथ, जिनसे हम डूबते जा रहे हैं, जो मैल लग रही है अपने साथ, जो गंदे कपड़े जुड़ गए हैं अपने साथ, उनके कारण हम सब समाज में बैठने के अधिकारी नहीं होते, तो उनको धो करके साफ बनाने वाला जो कर्म है उसको अभ्युदयनीय कर्म कहते हैं। तो अब आप जिन कारणों से अपने को पापी, गिरावट के मार्ग पर, पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, उन हेतुओं को छोड़ने के लिए आप अपने में कर्तापन का भाव ले आइए। हमारे न्याय और वैशेषिक दर्शन यही करते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारा आत्मा जो है ये पाप पूर्ण का कर्ता है और कर्ता के रूप में अपरोक्ष है, क्योंकि ये ज्ञान का अधिकरण है। जितने ज्ञान उदय होते हैं सब इसी में होते हैं। धर्म अधर्म, सुख दुख, इच्छा द्वेष, ये सब इसमें रहते हैं। प्रयत्न, संस्कार, ये सब इसमें रहते हैं। तुम कर्ता आत्मा हो तो तुम चाहो तो पाप को छोड़ सकते हो और पुण्य को पकड़ सकते हो। आत्मा में कर्तृत्व भावना को जागृत हो करके हमको स्वातंत्र का संदेश देता है न्याय वैशेषिक दर्शन। स्वतंत्र कर्ता, तुम चाहो तो पाप करो और चाहो तो छोड़ दो, चाहे तो पुण्य करो चाहे तो छोड़ दो।
ये तुम्हारे कर्ता आत्मा में इतना बल है, इतना प्रयत्न है कि तुम धर्माधर्म, इच्छा द्वेष, तुम सुख दुख और तुम संस्कार सबके जनक बन सकते हो। ये हमारी आत्मा में भाव भरते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन। तो अब दूसरी बात आई कि सांख्य योग जो है ये कर्तापन के भाव को काट देते हैं, कहते हैं ये आत्मा असल में करणों के सहकार से, जब हाथ हो तब करेगा, पांव हो तब करेगा, मन हो तब फंसेगा, और आत्मा तो बिल्कुल असंग है, प्रकृति इसके सामने नाच रही है और दुनिया बदल रही है और ये नहीं बदलता, नाटक के दृश्य बदल रहे हैं और ये नहीं बदलता, मरने वाले के साथ मरता नहीं, करने वाले के साथ करता नहीं, जाने वाले के साथ जाता नहीं, नरक स्वर्ग में जाता नहीं, और जन्म मरण के साथ जन्मता और मरता नहीं, ये आत्मा असंग और दृष्टा है। तो देखो इससे दृष्टि तो बन जाती है कि आत्मा असंग और दृष्टा है, और थोड़ी देर के लिए असंग दृष्टा बन के बैठ भी जाते हैं, परंतु शैवों का कहना है कि ये जब तुम असंगता की दृष्टि रखोगे तब तो असंग रहोगे। इस योग में भी ये बात मान्य है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, परंतु जब अपने स्वरूप से उत्सित होकर के वृत्तियों के साथ मिलोगे तो वृत्तियां जो जो सकल धारण करेंगी वही तुम्हारी सकल हो जाएगी। तो शैवों ने इस दृष्टा के साथ भाव जुड़ा, आत्मा तो सांख्य मत में भी भोगता ही है और वहां करता नहीं है परंतु भोगता है, प्रकृति नाचती ही है उसके सामने भोग और अपवर्ग देने के लिए, प्रकृति दृष्टा के सामने नाच रही है, या तो जब विवेक ख्याति नहीं हुई है तो प्रकृति के नृत्य का आनंद लेने लगता है दृष्टा और उसमें अपने आप को भूल जाता है, और यदि विवेक ख्याति हो गई है तो प्रकृति उसके सामने नाचती रहती है और वो असंग देखता रहता है, परंतु वो देखना भी एक भोग है। अब शैवों ने ये जिस ग्रंथ की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, इन्होंने क्या किया कि दृष्टा के साथ एक भाव जोड़ दिया। वो भाव क्या है कि ये असंग तो है और साथ ही साथ ये सृष्टि प्रकृति की बनाई हुई नहीं है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन मानते हैं कि प्रकृति ने सृष्टि बनाई है और दृष्टा असंग है। ये कहते हैं कि प्रकृति ने सृष्टि नहीं बनाई है, अपना आप ही ऐसा उछल रहा है, नाच रहा है, ऐसा आनंद ले रहा है कि ये सृष्टि के रूप में प्रकट हो रहा है। तो जैसे समुद्र अपने आप ही ज्वार और फाटा लेता है, वैसे ये आत्मा का उल्लास संकोच और विकास में आता है। तो जब ये विकसित होता है तो सृष्टि के रूप में होता है, और जब संकुचित होता है तब प्रलय के रूप में होता है। दृष्टा आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति और प्राकृत नहीं है, केवल दृष्टा आत्मा है। इसको स्वतंत्रवाद बोलते हैं, स्वतंत्रात्मवाद बोलते हैं दर्शन साहित्य में। असल में भारतीय दर्शनों में तीन ही मजेदार हैं, विद्वान लोग तीन का आदर करते हैं, बौद्धों के शून्यवाद का और शैवों के स्वातंत्र्यवाद का और वेदांतियों के अद्वैतवाद का। जितने प्रेक्षावान बुद्धिमान पुरुष हैं सृष्टि में, विज्ञान के द्वारा ज्ञान के साथ दर्शन का मिलान करने वाले, तो बोलते हैं भाई विज्ञान की कसौटी पर अगर कोई टिक सकता है तो बौद्धों का शून्यवाद बहुत हद तक टिकता है, और कश्मीरी शैवों का स्वातंत्र्यवाद बहुत हद तक टिकता है, और ब्रह्मास्त्रवाद जो है ब्रह्मास्त्रमयी के बाद वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। संसार के जितने बुद्धिमान हैं उन्होंने यहाँ के दर्शनों में तीन दर्शन को मुख्य रूप से महत्ता दी है।
अच्छा तो अब आओ, ये स्वातंत्रवाद क्या है? ये विलक्षण है, ये दूसरे आत्मा का अनुभव नहीं करता है और दूसरे प्रपंच का भी अनुभव नहीं करता है, अपना ही सर्व से अनुभव करता है। सर्व रूप इसका सर्व रूप है। तो इसमें मुख्य बात क्या आती है? भक्ति दर्शन से ये विलक्षण हो जाता है। ये यह की भक्ति नहीं है, ये तो मैं की भक्ति है। ये यह की भक्ति नहीं है, मैं की भक्ति है। इसलिए ध्यान के लिए जितनी वस्तुएं हम आपके सामने लाते हैं, हम एक वस्तु आपके सामने लाते हैं, आप दो बार बोलिए और आ। तो आ और आ, तो दोनों के बीच में कोई लकीर है कि नहीं? दो बार आप लिखिए, एक जगह आ और फिर उसके बाद लिखिए आ, तो कागज में दोनों के बीच में कोई जगह छूटी है कि नहीं? छूटी है ना। अच्छा, दो बार बोलिए आ और आ, तो दोनों के बीच में काल की रेखा है कि नहीं? और दो बार आपने लिखा और आ, तो दोनों की शक्लें दो हो गई कि नहीं? मतलब दो शक्ल दिख रही है ना आ के रूप में आपको। तो अब ये कहते हैं कि आप ध्यान करो, क्या लिखे हुए दो आ के बीच में जो जगह खाली है उसका ध्यान करो, या दो बार आ बोलने में जो बीच का समय खाली है उसका ध्यान करो, और दो आकार की शकल, दो जगह, दो समय मालूम पड़ती है, एक बार वो देखो एक बार वो देखो, तो दोनों में जो एकता है सो है ना। ये आत्मा का ध्यान है कि आत्मा का ध्यान नहीं है? ये तो खाली काल का ध्यान है, खाली देश का ध्यान है और आकृति रहित वस्तु का ध्यान है। अच्छा, अब कहो इसको ईश्वर समझे तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ईश्वर तो तुम हो, ईश्वर तो तुम हो। ये जिस चीज का तुम ध्यान कर रहे हो इसमें महत्व बुद्धि मत करना। कल आपको आपकी बात सुना रहा था ना, ये इसकी, यदि तुम दृश्य में महत्व बुद्धि करोगे, अब जैसे आ का हमने कहा आ, तो आ के चारों ओर आकाश है, तो आ को बीच में रख करके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे बाहर और भीतर छह जगह आकाश का दर्शन करो, तो वो जो लकीरें हैं ना आ की, वो तो बिंदु बिंदु है, बूंद बूंद है, और बूंद बूंद जो है वो तो बिना स्थान लिए ही मालूम पड़ते हैं बिंदु। इसलिए आकाश में आकार रूप बिंदुकृत रेखा और रेखाकृत अक्षर का ये भी नहीं है। इसलिए यदि उसमें कहोगे कि अकारो वासुदेवा, ये अकार वासुदेव है, तो महत्व बुद्धि हो जाएगी। और यदि कहोगे अक्षराणाम अकारो अकारोस्मी, तो दूसरे अक्षरों से अकार में विशेष हो जाएगा। वो तो कहते हैं कि चाहे अ को रखो, चाहे ग को रखो, चाहे घ को रखो, चाहे ह को रखो, कोई भी अक्षर रख लो और उसका सहारा ले करके परिपूर्ण आकाश का, अवकाश का चिंतन करो, और चूंकि वो आकाश तुम्हारी दृष्टि में है और दृष्टा तुम हो, इसलिए दृष्टा से भिन्न दृष्टि नहीं है और दृष्टि से भिन्न वो आकाश नहीं है। और यदि तुम आकार को या आकाश को परमेश्वर मान लोगे तो क्या हो जाएगा? तो उसके प्रति महत्व बुद्धि हो जाएगी, और महत्व बुद्धि हो जाने से उसमें आसक्ति हो जाएगी, और ध्यानाभ्यास करने पर तुम उसको छोड़ नहीं सकोगे। असल में तो ध्येय में तुम्हारी आसक्ति हो जाएगी, इसलिए उसमें महत्व बुद्धि, ध्येय में महत्व बुद्धि न करके, ये तुम्हारी खोपड़ी है, खोपड़ी बोले इसमें केवल रोशनी रोशनी भरी है, तो रोशनी परमेश्वर है क्या? नहीं, जो उस रोशनी को देख रहा है सो परमेश्वर है। अच्छा, ये तुम्हारी छटरी जो है छाती की, इसके भीतर पोल है, आकाश है। अच्छा, तो वो परमेश्वर है? बोले नहीं, तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा। खोपड़ी के प्रकाश को देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, आकार को देखोगे तो तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा, लेकिन
जिसको तुम देख रहे हो वो परमात्मा नहीं है, देखने वाला परमात्मा है, और उसका जो उल्लास है वही दृष्टि है, और समग्र प्रपंच उसका स्वरूप है। हमने ये जो रहस्यवाद की रीति है, रहस्यवाद की रीति है, ये ध्येय में महत्व बुद्धि नहीं कराती, जिसका हम ध्यान करते हैं उसको महान नहीं बताती, जो ध्याता है उसको महान बताती है। वेदांत से ये मिलता जुलता है, नहीं एक दृष्टि से वेदांत से यूं मिलाते हैं कि इदम में महत्व बुद्धि नहीं है, यहाँ अहम ध्याता में महत्व बुद्धि है, परंतु शून्यवादी ध्याता और ध्येय दोनों का महत्व नहीं मानते हैं, दोनों के अभाव का महत्व मानते हैं, और वेदांती ब्रह्मात्मैक्यवादी और जो ध्येय का बाद होने पर ध्याता का परमार्थ स्वरूप है, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न छिन्न मात्र ब्रह्म है ना, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं, वो आत्मा का स्वरूप है। और ये शैव पद्धति जो है ये ध्यान के लिए और आत्म शक्ति के उल्लास के लिए और विलास के लिए, ये लोग व्यवहार को मुख्य नहीं मानते हैं, कहते हैं इस मस्ती में आत्मोल्लास में मस्त हो जाने के बाद यदि व्यवहार छूट जाता है, यदि व्यवहार छूट जाता है तो कोई हर्ज नहीं, मस्त रहा करो ध्यान में, अपने स्वरूप की मस्ती में डूब जाओ, तुम ही कर्ता हो, तुम ही भोगता हो, तुम ही कर्म हो, तुम ही भोग हो, तुम्हारे सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये इनका कहना है। और बौद्धों का कहना है कि ये ध्याता ध्येय दोनों तो शून्य में विवर्त मात्र ही हैं, इसलिए ध्याता चाहे जैसा रहे, ध्येय चाहे जैसे रहे, बेपरवाह हो जाओ। और वेदांती कहते हैं कि अधिष्ठान ब्रह्म चूंकि सत्य है, इसलिए व्यावहारिक रूप से ध्येय भी सत्य है, ध्याता भी सत्य है, उसमें धर्म भी होना चाहिए, उपासना भी होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए, वो सब ध्याता ध्येय में रहे, परंतु जो मूल तत्व है आत्मा वो साक्षात पर ब्रह्म है, उसमें ध्याता ध्येय का भेद नहीं है। ओम शांति।